ग्रूमिंग थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि हेयर है, लॉन्ग हेयर है, तो उसकी केयर टेकिंग ज्यादा करनी पड़ती है। कंडीशनरिंग वगैरह, शैम्पू वगैरह थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। हमारे पास शीट जूज हैं, चाव चाव हैं, कैट्स में डील करते हैं, पेट शॉप है हमारी, है वहाँ पे कैनल भी है सानेवाल में। भोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है। एंड www.bholashola.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर। थोड़ा बताइए सर, इस ब्रीड के बिहेवियर के बारे में कुछ। बहुत फ्रेंडली है जी, घरे रख सकते हैं। हाँ जी, ज्यादा कुछ नहीं है, ग्रूमिंग थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि हेयर है, लॉन्ग हेयर है, तो उसकी केयर टेकिंग ज्यादा करनी पड़ती है। कंडीशनरिंग वगैरह, शैम्पू वगैरह थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। वह फ्रेंडली है, जैसे कहते हैं किड्स फ्रेंडली है, घर पे रख सकते हैं, इंडोर ब्रीड है, बाहर नहीं रख सकते, इंडोर रख सकते हैं। They are very good watchdog, भौंकते हैं या नहीं? नहीं, not that good, but fine, they can watch it like if someone comes, like some stranger, they bark, but they can't bite. जो इस ब्रीड को रखते हैं स्पेशली फर्स्ट टाइम ओनर, वो पसंद तो इसको करते हैं क्योंकि आजकल हमारा जो घर है, समय है, वो काफी कम हो गया है। बट इस ब्रीड को जब वो इन बालों को संभालना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। हाँ जी, वही चैलेंज है, इसलिए लोग रख लेते हैं लेकिन बाद में इसकी केयर टेकिंग नहीं कर पाते, वो बाल कटिंग करवा देते हैं, तो वो इसके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसकी जो ब्यूटी है वो हेयर से है। हाँ जी, आपका कितना लंबा एक्सपीरियंस है माल्टीज में? नहीं, माल्टीज हमारा अभी एक ईयर का ही हुआ, वन ईयर ही हुआ है, शुरू किया है। हमारे पास शीट जूज हैं, चाव चाव हैं, कैट्स में डील करते हैं, पेट शॉप है हमारी, है वहाँ पे कैनल भी है सानेवाल में। हाँ जी, कैनल सिंह पेट सिंह कैनल, शॉप का नेम है सिंह पेट शॉप। सिंह पेट शॉप, हाँ जी। सिंह साहब, एक और बात बताइए, इस ब्रीड को इंडिया के क्लाइमेट में, आपने कहा एक साल हो गया है, तो अभी इसने गर्मी भी देखी, इसने सर्दी भी देखी, हाँ जी, क्या कोई इंडियन वेदर को अडॉप्ट करने में कोई मुश्किल इस ब्रीड को? नहीं देखो, गर्मी में जरूर मुश्किल आती है क्योंकि हेयर है, तो बाहर इंडोर है, इंडोर एसी में रहेगी, विदाउट एसी नहीं, क्योंकि ओवर हीटिंग से डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर हाँ हीट स्ट्रोक आ जाता है, तो उसके वजह से एसी मस्ट है। तो सर्दियों में कोई खास नहीं है, जो रूम टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से चल जाता है। एक और बात, आपने कहा आप शिरजू में भी काम करते हो, शिरजू के जैसे बालों के कारण, लंबे बालों के कारण आई आंखों में प्रॉब्लम आती है, क्या इस ब्रीड के भी सेम प्रॉब्लम आती है? नहीं, कुछ खास नहीं है, अगर हेयर आंख में चले जाए तो वो पानी आने लगता है, वो प्रॉब्लम है, वैसे कोई ऐसा हमें अभी तक तो नहीं आई, आगे आ सकती है वो कुछ कह नहीं सकते। तो आपके पास इसकी कोई स्टड सर्विस पॉप्स अवेलेबल होते हैं? हाँ जी, पॉप्स अवेलेबल होते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ प्लीज। हाँ जी, कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9781604001। अगर आपको माल्टी शिरजू या और कोई भी छोटी ब्रीड में इंटरव्यू चाहिए तो दे विल ऑलवेज हियर टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।